बहुत ही अच्छी हमारी फैमिली फ्रेंड और सुप्रीम ह्यूमन बीइंग श्रीमती मृदुला सतीश टंडन जी की प्रस्तुति शामे गज़ल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मशहूर इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पेश किया जा रहा है, वो भी फरहत शहजाद जी की देन, और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड, बहुत ही शानदार, दमदार, बहुत ही सुरीले और बहुत ही मैच्योर तरीके से इसके आपके सामने पेश किया शकील अहमद साहब और उनकी टीम। जगजीत सिंह हमारे बहुत ही अंतरंग मित्र थे और अंतरंग मित्र ऐसे थे, बहुत करीबी थे, और सिर्फ बहुत ही करीबी दोस्त नहीं थे, बल्कि जब उनके बारे में उनकी जब वो हमें छोड़ कर गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था मेरा कॉलम कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ह्यूमन बीइंग जगजीत सिंह। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ इस वक्त कि कुछ हद तक मेरा दिल टूट गया था और उनका आखिरी प्रोग्राम दिल्ली में जब था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, तो मैं चीफ गेस्ट था और रात के उसके प्रोग्राम के बाद 3-4 बजे तक हम लोग सब साथ थे। उसके बाद मुझे उनको सिर्फ मुझे देखने का मौका मिला अस्पताल में, जब वो मुझे नहीं देख पाए तो कोमा में थे और देख नहीं पाए, वहां से ही मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से उन प्रस्थान कर गए, चले गए ऊपर। उसके बाद मुझे लगता था नहीं, वैसे तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, पंकज उदास हैं, हमारा अनूप जरोटा है, लेकिन हमने कहा आप गजलों पे नहीं, बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त और करीबी दोस्त थे। आज मृदुला टंडन जी ने जब बताया और शहजाद जी के बारे में और खासकर हमारे शकील अहमद के बारे में जब बताया, तो उस प्रोग्राम के बाद, उनकी डेथ के बाद, आज पुनर्वृत्ति, आज बर्थ हुई है और मैं इस कार्यक्रम में आया आज की शाम को कि रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बड़ा खुश था मेरे परवरदिगार।